नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं HS बिहार। कल हमने बात की थी प्रशांत किशोर की, एक ऐसे चुनावी रणनीतिकार जिसकी कमी शायद बिहार को खल रही होगी या बिहार के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। कई ऐसी बातें हमने बताई थी प्रशांत किशोर के बारे में, जो उनका सफ़र था और बिहार से वो क्या वादा करके गए थे उसकी जानकारी हमने आपसे साझा की है। बहरहाल अब तक उनका कोई अपडेट नहीं है, हमने उन तक बातें पहुंचाने की कोशिश भी की है, शायद कोई जानकारी आए। लेकिन आज बात एक ऐसे ही चेहरे की जिसे बिहार सुनना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन वह एन मौके पे बिहार से गायब हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के एक और युवा चेहरे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार एक ऐसा नेता जिनका भाषण सुनने के लिए लोगों की भीड़ तो जरूर लग जाती है, लेकिन जब बात धरातल पर की जाए, जमीनी हकीकत की जाए, तो कन्हैया कुमार कहीं नहीं टिकते हैं। अभी चुनाव है और चुनाव के समय में भी कन्हैया कुमार फिलहाल तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार में जो चुनावी हवा बहती है तो बातें कई तरह की उठ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार के विधानसभा चुनाव लड़ने की भी। ऐसी चर्चा भी है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कन्हैया लड़ सकते हैं। एक बार फिर रुख बेगूसराय की ओर करेंगे और बेगूसराय में वे बछवाड़ा का विधानसभा सीट चुन सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव के दौरान किसी को प्लांट कर देंगे तो क्या वो चुनाव जीत जाएंगे, यही सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आप जमीनी काम कब करते हैं, सिर्फ भाषण करते हैं, चुनावी हवा बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप चुनाव जीतने जमीन पर आएंगे तो जीतेंगे कैसे? लोगों को कोसेंगे, सरकारों को कोसेंगे, ठीक है, लेकिन मुद्दों पे बात करने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, दिल्ली से छोड़कर बिहार आना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। कई ऐसी घटनाएं घटी बिहार में जिसमें कन्हैया कुमार कहीं दिखे ही नहीं। आखिर क्यों, क्या कारण है कि कन्हैया कुमार ऐसे विकट परिस्थिति में बिहार में दिखते नहीं हैं? सिर्फ ट्वीट करने वाले कन्हैया कुमार और भाषण करने वाले कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में कहीं नहीं है। कोरोना जैसे विपदा में भी कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिख रहे थे, इसके अलावा बाढ़ जैसी विभीषिका में भी कन्हैया कुमार दिखते नहीं हैं। तो ये क्या है, ऐसे सिचुएशन में कन्हैया कुमार क्या बिहार की सियासत में अपनी पकड़ बना पाएंगे? एक युवा नेता जिसके नेतृत्व की बात की जाती है कि बिहार को कन्हैया कुमार जैसा एक लीडर चाहिए, एक CM चाहिए, एक प्रखर प्रवक्ता चाहिए, बोलने वाला चाहिए जो जनता की बात समझ सके, उन पे मरहम लगा सके, उनके विकास का काम कर सके, लेकिन कन्हैया कुमार आपको दिखेंगे ही नहीं। अब ऐसे में अचानक से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात अगर हो आती है तो शायद कई लोगों को यह हास्यास्पद भी लगने लगता है कि आप इन्हें प्लांट क्यों कर देते हैं। चुनाव नज़दीक आया तो तेजस्वी के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, लेफ्ट का गठबंधन होगा, कन्हैया कुमार इसमें स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, अगर आपको सियासत में बने रहना है तो सिर्फ दिल्ली में बैठे रहने से काम तो नहीं चलेगा। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होने की जहाँ तक बात है तो युवा कन्हैया कुमार जी, आप सोशल मीडिया पर भी 21 जुलाई के बाद एक्टिव नहीं दिखे। ट्विटर आपका सुनसान है, लोग खोज रहे हैं कि कन्हैया कुमार कहीं तो बोलें, कहीं तो डफली बजाएं, लेकिन वहां पे इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है, कहीं कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, बिहार से वो भागे भागे क्यों रहते हैं? आपको 2019 का लोकसभा चुनाव याद होगा जिसमें ऐसा लगा था कि बेगूसराय का यह लोकसभा सीट पूरे देश में सबसे हॉट सीट है और इसमें कन्हैया के समर्थन में कई बड़े स्टार आ गए थे, कई लोगों ने बेगूसराय में जाकर उनके लिए रैलियां की, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका समर्थन किया। बावजूद इसके बेगूसराय की जनता के दिल में कन्हैया कुमार भरोसा नहीं जगा पाए। 4 लाख वोटों से हार जाना कन्हैया कुमार के लिए एक बड़ा सबक था और सबक यह कह रहा था कि आप जमीन पर काम कीजिए कन्हैया कुमार, रैलियां करने से, डफली बजाने से, आज़ादी गीत गाने से कन्हैया कुमार रास्ते आसान नहीं होते हैं, जमीन पर काम करना पड़ता है। चुनाव में अगर आप उतर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि बिहार जब बाढ़ से जूझ रहा था या बिहार में बाढ़ का आना लगा रहता है तब आप कहाँ रहते हैं, बिहार जब चमकी बुखार जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहा होता है, बच्चों की मौत हो रही होती है, तो उस वक्त आप कहाँ होते हैं, आप क्या करते हैं, आप सामने क्यों नहीं जाते, लोगों के बीच क्यों नहीं जाते, बेगूसराय की जनता के बीच क्यों नहीं जाते? आपकी छवि जो भी रही है, लेकिन आपने छवि सुधारने के लिए भी लोकसभा चुनाव लड़ा,
आपको कहीं जगह विरोध का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके अगर आप जनता के बीच बने रहते तो आप शायद जननेता होते। ये भाषण करने वाले नेता बहुत हैं। आप कभी कभी मैंने सुना है कि जो बोलता है वही क्रांति करता है, लेकिन सिर्फ बोलने से क्रांति नहीं आती है, करने से भी क्रांति आती है। तो यह जरूरी है कि ऐसे समय में जब बिहार को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है और बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, जो जमीनी राजनीति कर रहे हैं, लोगों के बीच लगातार अभी दिख रहे हैं। खैर, तेजस्वी यादव भी कई ऐसे मौके पर बिहार से गायब दिखे थे जिससे उनकी भी आलोचना हुई थी, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने शानदार कम बैक करके दिखा दिया है। लेकिन चमकी बुखार जैसे मुद्दे हो या कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें तेजस्वी यादव भी लापता रहे, विधानसभा की कार्रवाई से कई सत्रों में तेजस्वी यादव गायब दिखे, तो इन सारे चीज़ों पर सवाल तो उठते ही हैं। अगर युवा नेतृत्व को बिहार की सियासत में पैर जमाना है तो उस हिसाब से ही तैयारी करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। कम्युनिस्ट की वापसी चाहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपको जमीन पर ही दिखना पड़ेगा कन्हैया कुमार, ऐसे चुनाव लड़ना संभव नहीं है। आप जिस बछवाड़ा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, बेगूसराय वाकई में लेफ्ट की धरती मानी जा रही है, लेनिनग्राद कहा जाता है, मिनी मास्को कहा जाता है, बट मुद्दा यह है कि वहां पे अवधेश राय इस वक्त नहीं जीते हुए थे, पिछले बार में जीते हुए थे, लेकिन 15 में जो जीते थे उनका अब निधन भी हो गया है, रामदेव राय कांग्रेस से थे। तो ऐसे सिचुएशन में इस बार कांग्रेस की ही दावेदारी वहाँ मजबूत दिखती है। अगर फिर भी समीकरण बन जाता है कि लेफ्ट को यह टिकट दिया जाए तो कन्हैया कुमार अगर आप खड़े भी होंगे तो क्या गारंटी है कि आप हवा हवाई नेता बनकर चुनाव जीत ही लेंगे। लोकसभा चुनाव में भी सबसे बड़ी टक्कर, सबसे बड़ी हॉट सीट की बात कही जा रही थी, लेकिन आप वहां पे अपना छाप छोड़ने में असफल रहे थे। आपके पास मौका था, एक साल यह मौका था कि उसके बाद भी आप जनता के बीच बने रहते, लोगों के बीच जाते, उनसे संवाद करते तो शायद माहौल बनता। आप रैलियाँ करने लगते हैं, संविधान बचाने लगते हैं, देश बचाने लगते हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए काम कौन करेगी? आपकी पार्टियों के साथ आप मिलकर काम क्यों नहीं करते हैं? ये सारी चीज़ें, कई तरह की कमियां खलती हैं। तो एक चुनावी एनालिसिस ये कहता है कि कन्हैया कुमार जी और प्रशांत किशोर से भी यह अपील करता है कि ऐसे लोग अगर बिहार में राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि बिहार में ज़मीन पर पैर रखें। दिल्ली से, कलकत्ता से या अमेरिका से बिहार की सियासत मॉनिटर नहीं हो सकती, यह यहाँ पे काफ़ी अलग मसला होता है। बिहार की राजनीति में कई सारी ऐसी चीज़ हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। चाहे आप जातीय समीकरण की बात कर लें, जिसे नीतीश कुमार जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञ समझते हैं, जिन्हें सोशल इंजीनियर कहा जाता है, यहाँ पे इस बार जैसे दलित का मुद्दा सबसे ज़्यादा जोर पकड़े हुए है, दलितों के मसीहा के रूप में अपने आप को जितना माझी पेश करते रहते हैं, मुसहर के मसीहा, लेकिन इस वक्त उन सभी के बातों को काटते हुए एक चेहरा सामने आया है, वो है चिराग पासवान, जो वो भी दिखा रहे हैं। खैर, उन पे भी कभी कभी आरोप यह लगता रहा है कि बंद कमरों से वो रणनीति बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी है, उनकी टीम है, वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और वो इस बार अपनी छवि बनाने में सफल दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार लापता हैं, 21 जुलाई के बाद से उनका कोई ट्वीट देखने को नहीं मिल रहा है। इससे यह स्पष्ट लगता है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से इस तरह के चेहरे फुस साबित हो सकते हैं। बिहार की जनता ढूंढ रही है, हम लगातार पब्लिक ओपिनियन भी करवाते हैं और पूछते भी रहते हैं, कन्हैया कुमार आप सोशल मीडिया के पसंद हो सकते हैं लेकिन वहाँ भी आप लापता हैं, लेकिन ज़मीन पर शायद आपके लिए अभी भी घड़ियाँ मुश्किल हैं। इसी तरह हम कई और ऐसे चेहरे की बात आपके सामने लगातार लाते रहेंगे और आपसे हम उनको रूबरू कराएंगे कि फिलहाल उनकी परिस्थितियां क्या है, वो कहाँ हैं और किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इससे जुड़े अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे तरफ से इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।